नमस्ते सभी को। मैं हूं प्रदा स्वामी, सहायक आचार्य भौतिक विज्ञान राजकीय महाविद्यालय लोनकर्ण सर। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज अपनी क्लास कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो अपने बीएससी सेकंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिकल फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 में है, और वही टॉपिक बीएससी फाइनल ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 में है। तो आज का लेक्चर दोनों ही क्लासेस के लिए कंबाइंड है, कॉमन है। आज अपन पढ़ेंगे एक विमीय बॉक्स में किसी मुक्त कण की गति। मुक्त कण का तात्पर्य है उसकी स्थितिज ऊर्जा, उस पर किसी भी प्रकार का पोटेंशियल है अप्लाई नहीं हो रहा है, वी का मान 0 है। सॉल्यूशन अपन श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से निकालेंगे। फाइनल ईयर में ये अपन ने पढ़ लिया है, और सेकंड ईयर वालों को श्रोडिंगर समीकरण सीधी अपने को याद रखनी है कि ये श्रोडिंगर समीकरण होती है माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई बराबर ई साई। साई है तरंग फलन, वी है पोटेंशियल एनर्जी, ई है टोटल एनर्जी, और एच कट है मॉडिफाइड प्लैंक कांस्टेंट जो एच बटे में 2π के बराबर होता है, एम है कण का द्रव्यमान, एक्स है जिस डायरेक्शन में अपन ने लिया उस डायरेक्शन में डिस्टेंस। एक विमीय बॉक्स लिया है तो खाली एक ही डायमेंशन अपने को लेनी है, एक्स डायमेंशन अपन ने चूज की है। बॉक्स की थिकनेस है वो अपन ने कितनी ली है, ए ली है, मतलब बॉक्स की एक डायमेंशन एक्स बराबर 0 पर है और दूसरी एक्स बराबर ए पर है। दीवारों के ऊपर इसके अंदर फ्री पार्टिकल अपन ने ले रखा है, ये पार्टिकल के इस दीवार से टकराकर वापस लौट आएगा, क्योंकि दीवार का पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है, मतलब किसी भी सूरत हाल में कण इस बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता है। कण की पोटेंशियल एनर्जी 0 है, किसी भी स्थिति में ये कण बाहर नहीं जाएगा। इस तरफ इस दीवार पर भी यही चीज है, इन दीवारों पर किसी भी स्थिति में कण नहीं मौजूद होगा, इसलिए दीवारों पर तरंग फलन साई का मान कितना होगा, 0 होगा। बाकी अपन कैलकुलेशन पढ़ते हैं कि V बराबर 0 होगा जब कण इस स्थिति के बीच में हो, इन दोनों के बीच में, और V बराबर इनफाइनाइट होगा जब कण x बराबर 0 x बराबर a पर हो, इसके बाहर V का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब अपन श्रोडिंगर समीकरण लेते हैं और इसका सॉल्यूशन अपन निकालते हैं। श्रोडिंगर समीकरण से माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई बराबर ई साई। कण मुक्त कण है, फ्री पार्टिकल है, इसलिए वी का मान 0 हो जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर ई साई। इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, डी 2 साई अपॉन डीएक्स स्क्वायर प्लस 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई बराबर 0। ये एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को प्राप्त हो गई है, जैसा कि आप 11th क्लास के अंदर और फर्स्ट ईयर के अंदर सरल आवर्त गति से रिलेटेड पोर्शन में पढ़ चुके हैं। तो माना 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर है, इसको कोई के स्क्वायर अपन ने माना है, यहां से इक्वेशन आ जाएगी डी टू शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर शाई बराबर में 0। ये समीकरण नंबर आ गया अपने पास में 3। समीकरण 3 एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, जिसका हल एक्सपोनेंशियल पावर में दिया जा सकता है या साइन और कोस के रूप में दिया जा सकता है। तो समीकरण 3 एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका जो सॉल्यूशन है साइन बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स होगा। साइन कोस आगे पीछे आप लिख सकते हैं, आपकी रैंडम चॉइस है इसमें। अब अपना जो काम है नेक्स्ट क्या है,
ओवरऑल साई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब अपना काम क्या है, परिसीमा प्रतिबंध अपने को लगाना है, बाउंड्री कंडीशन अपने को लगानी है। अपने ये जो 1D बॉक्स पढ़ा था, तो x बराबर 0 पर साई का मान 0 होगा, कण नहीं होगा, और x बराबर a पर भी साई का मान कितना होगा, 0 होगा। परिसीमा प्रतिबंध से साई बराबर 0 एट x बराबर 0, तो इस समीकरण में x का मान 0 रख दीजिए। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 बराबर 0 प्लस बी cos 0 डिग्री। cos 0 का मान होता है 1, दैट मीन्स बी का मान कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो इक्वेशन अपने पास बच जाएगी साई बराबर ए साइन kx। पहली बाउंड्री कंडीशन अपन ने लगा दी है कि साई 0 है जब x का मान 0 है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन अपने को लगानी है इसमें, साई बराबर 0 एट x बराबर a। तो समीकरण 5 में x का मान a रख दें, वहां से साई को 0 रख दें, 0 बराबर हो जाएगा a साइन k, x की जगह रखना है a। इसका मतलब ये a का मान हो गया प्लस माइनस n का, क्योंकि साइन थीटा का मान 0 कब होता है, जब थीटा बराबर n पाई हो व्यापक तौर पर। यहां से जो k की वैल्यू है वो अपने पास में कितनी आ गई है, n पाई अपॉन k आ गई है। ये का मान है वो n पाई अपॉन k अपने पास आ चुका है। यहां से शाही का जो फाइनल जो मान है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा x बराबर a साइन k की जगह n पाई अपॉन k s, प्लस माइनस साइन मैंने हटा दिया है। ये तरंग फलन का मान एक विमीय बॉक्स के लिए अपने को प्राप्त हो गया है। एग्जाम में यहां तक पूछा जा सकता है, इस ए का मान निकालना पूछा जा सकता है, और ऊर्जा आइगन मान पूछे जा सकते हैं। तीन प्रकार के प्रश्न इसमें आ सकते हैं। तो तरंग फलन तो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, अगर ए का मान निकालना हो तो वो किस प्रकार से निकाला जाएगा, और उसके पश्चात ऊर्जा आइगन मान ई किस हिसाब से निकाले जाएंगे वो अपने को स्टडी करने हैं, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये एनर्जी आइगन वैल्यू अपने पास, सॉरी तरंग फलन का मान अपन ने एक विमीय बॉक्स के लिए निकाल लिया है। धन्यवाद।